बोल हेलो नमस्कार मेरे दगड़े, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होला, फर्स्ट क्लास होला। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज शाम से, टाइम हो रहा है 6:30 के आसपास। और अभी हम लोग सबके सब भाई प्राची, भाभी और एकांश, हम सब लोग अभी जा रहे हैं मोहन नगर में। वसुंधरा से मात्र 3-4 किलोमीटर दूर होगा और हम जा रहे हैं उत्तराखंड परिधान स्टोर में। तो हम लोग जा रहे हैं आज वहाँ पे, प्राची और भाभी के लिए उनको चाहिए थी ट्रेडिशनल पहाड़ी ज्वेलरी चाहिए थी उनको। तो बात जब आती है पहाड़ी ज्वेलरी की, तो हम लोग हमेशा उत्तराखंड परिधान स्टोर से ही जो है हम लोग पहाड़ी ज्वेलरी लेते हैं। लास्ट टाइम मम्मी ने भी वहीं से ज्वेलरी ली थी और काफी पसंद आई थी मम्मी को। तो चलते हैं अभी उत्तराखंड परिधान स्टोर में और आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या वैरायटी है। और जो उत्तराखंड परिधान स्टोर के जो ओनर है मिस्टर विकास, उनका नाम भी विकास ही है, तो मैंने उनको फोन किया था थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा था कि बहुत नई नई ज्वेलरीज जो है वो अपडेट हो चुकी है, स्टॉक अपडेट हो चुका है, नए नए ट्रेंड्स, नए नए गुलाबंद और नथ जो है वो आ चुकी है उनके पास। चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या नया नया जो है वो डिजाइन उनके पास आए। आज लगी हुई यहाँ पे मार्केट और हमने गाड़ी घुसा दी है यहाँ पे। अब तो बहुत गंदी चलते रहे, इधर से भी गाड़ी आ रही है। हाँ, तो एक और गाड़ी भी सामने आ गई, चलो कोई नहीं। तो भाई गाड़ी हमने जो है वो सेंट थॉमस के आगे लगा दी है और बड़ी मुश्किल से जो है वो भाई सब्जी मंडी को काटते हुए हम लोग पहुँचे यहाँ पे। और अभी वॉकिंग है यहाँ से 50-100 मीटर, तो चलते हैं सीधा। हेलो, तो भाई कल जो है परिधान स्टोर में बहुत ज्यादा जो है शॉपिंग कर ली थी। क्या क्या शॉपिंग करी जरा बताओ। कल हमने गलबन लिया, टीका लिया, नथ ली और मंगलसूत्र लिया। और कैसा है क्वालिटी वगैरह, कैसा है उसका? क्वालिटी अच्छी है उसकी। अच्छा, एक बंदे का ना कमेंट आया था कि उत्तराखंड में आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनते है ना, बट ये है, ये चीज हमें भी पता है, लेकिन अगर जैसे कि सबको पता ही होगा, बॉयज को नहीं पता होती है चीज। जब हम आउट ऑफ द स्टेट जाते हैं, फंक्शंस जैसे बाहर होते हैं, फैमिली रिलेटिव्स कहीं कहीं और भी रहते हैं, तो आप हर जगह गोल्ड कैरी नहीं कर सकते। सही बात है ना, वो बहुत रिस्की है, राइट? इवन दिल्ली में भी रिस्की है, दिल्ली में भी रिस्की है। गोल्ड पहन के चले जाओ, आप अपने फैमिली फंक्शंस में पहन सकते हो, बट अगर आपको ट्रैवल करना है 200-400 किलोमीटर अलग, तो फैमिली के सब लोग जा रहे हैं, तो आप गोल्ड कैरी नहीं कर सकते ना, तो उस वजह से हमको चाहिए होती है। और ये ज्वेलरी जो है ना बहुत हैवी होती है। गुलाबंद देखा आपने कितना बड़ा पट्टा हैवी होता है, नथ पूरी हैवी होती है, तो ये भी एक रीजन है। तो अदरवाइज हमारे पास गोल्ड में सब कुछ है जो हम अपने फैमिली फंक्शंस में पहनते हैं। हाँ। तो उस भाई के लिए यही सलाम है, उस भाई के लिए सलाम है। यही एक जवाब है हमारा। हाँ। तो कल का दिन तो पूरा इसमें निकल गया है, बढ़िया। और क्या बोलते हैं, तुमने क्या क्या लिया बताओ पहले जल्दी। मैंने सब कुछ ले लिया, पूरा मांग टीका और गुलाबंद और नथ ले ली, झुमकी भी ली है, नाइस, वेल डन। तो अभी ये जो तो हमारी महिलाओं ने जो शॉपिंग की है, ये आपको हमारे आने वाले फंक्शंस में दिखेगी। कभी भी कहीं गांव गए या कहीं और चले गए हल्दी हाथ वगैरह में, वो जरूर आपको पहनते हुए लोग दिखाई देंगे। और ये देखिए, वाइपर पर भी नीचे नहीं किया इसने, भाई ने बंदे ने, और भाई गाड़ी ले गया भाई साहब। ओ इधर से राइट में, क्या कर रहा है, रुक जा। और आज संडे, और संडे के दिन हम पूरी फैमिली जो है फिर से एक बार निकल चुकी है, कहाँ के लिए? राशन खरीदने के लिए। भैया ये हर बार घूमना फिरना नहीं होता है, घर का काम और राशन भी देखना पड़ता है। तो अभी हम डी मार्ट जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ पे थोड़ा बहुत जो सामान है जो हमें लेना है घर के लिए, वो लेने जा रहे हैं। और बाकी देखते हैं, चलते हैं, आपको पहले दिखाते हैं आगे क्या प्लान बनता है। और भैया मौसम का हाल तो आपको पता ही है भाई, चटक गर्मी, घाम, धूप, जो आपको बोलना हो रखा है, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है भाई साहब। और हम लोग जो है वो थाईलैंड से वापस आ चुके हैं। हमारी थाईलैंड की जो ट्रिप था, जो जर्नी थी, बहुत अच्छी रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे इस थाईलैंड की ट्रिप को YouTube में बहुत सारा प्यार ना देने के लिए, पूरे व्यूज़ गिर गए हैं।
कहाँ पहले व्यूज अच्छे खासे आते थे, 10-12, 12-15, 15,000, 20,000, और थाईलैंड के ट्रिप में बिल्कुल ही व्यूज नहीं आ रहे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आंखें खोलने के लिए, ये भी आपको और मेहनत करनी है, सिर्फ बाहर ट्रिप करने से नहीं बनेगा। मुझे लगा था कि ये थाईलैंड की ट्रिप के बाद जो है ना वो व्यूज थोड़े से बढ़ेंगे, मतलब कि लोगों को लगेगा देखने का कि, लेकिन ये हुआ ये कि थाईलैंड में जाके मैंने एडिट नहीं किया ना मैंने अपलोड किया, तो एक हफ्ता जो है पूरा ब्लैंक रहा यूट्यूब में भी। शायद ये रीज़न है कि उस टाइम पे व्यूज जो है बिल्कुल ड्रॉप हो गए, और अब ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, अब वो धीरे धीरे पिक हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं व्लॉग डालता रहा हूँ तो वो पुराने वीडियोज में व्यू बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे करके पिक हो रहा है धीरे धीरे। तो ये तो मैं समझ गया कि एल्गोरिथम में जो है वो आपको रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे आंखें खोलने के लिए, और बस अब ये रेगुलर व्लॉग जो है शुरू होने वाले दोबारा से। ये भी आ रखा है शॉपिंग करने के लिए, डी मार्ट में सामान लेने आया, राशन लेने आया हो है? चलो राशन लेने पकड़ दो। देखो क्या है ये देखो, अपने आप जा रहा है ऊपर, ये देखो अपने ऊपर जा रहे हैं हम लोग, देखो। ट्रॉली ले ली है, ट्रॉली में कैसे बैठे गए, हेलो एक्सक्यूज मी सर, हाउ आर यू फीलिंग सर? दो मिनट क्या छोड़ा इनको, उन्होंने पूरी ट्रॉली भर दी है। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है संडे की वजह से, पर लेकिन सामान जो है पूरा मिल जाता है यहाँ पर। सारा सामान जो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये वाला सेक्शन है पूरा शू वाला, चप्पल जूते सब मिल जाते हैं यहाँ पे। पता नहीं दोनों लेडीज पता नहीं कहाँ गायब हो गए भाई। ये देखो सो गया है तो गोदी में सो गया बेचारा। छोटे के लिए एक आध बॉल देख लेते हैं, जैसे ये भी ठीक लग रही है, ये स्पंज वाली है, ये भी सेम है, कलर चेंज है बस, बाकी ये तो हैवी बॉल्स है सारी, ये ठीक लग रही है मुझे। इनको फिर मैंने आधे घंटे छोड़ा और आधे घंटे में देखो इन्होंने पूरा ट्रॉली भर दिया फिर से। ओह माय गॉड, बिल बनने वाला बहुत तगड़ा वाला। सीरियस हो गए थे भाई, एट योर सर्विस। चलो फिर यहाँ से सामान वामान लेके निकलते हैं अभी। क्या हो गया भाई, ऑल गुड? छोटा सा और चार्जेबल है, उसके पीछे आप चार्ज कर सकते हो, और उसके बाद बढ़िया इसको कहीं पे भी इधर उधर करके मूव करके बढ़िया हवा खा सकते हो कहीं पे। देखो भाई ये मोबाइल इरेजर सेट लिखा हुआ है तो ये रबड़ी लेकिन मोबाइल की शेप में। हमारे टाइम में तो वो इतने इतने से हुआ करते थे, छोटे छोटे लाल पीले हरे नीले कलर के, जैसे इस टाइप के ना थोड़े बहुत। ये तो फिर भी आजकल पैकेजिंग में आ रहे हैं, अलग अलग फ्रूट्स के डिज़ाइन में आ रहे हैं, हमारे में सिंपल हुआ करते थे। ये भी रेजर है, और ये अलग अलग बॉल, जैसे ये रग्बी वाली बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, और ये पूल। इसको लगने लग गई है भूख, क्या हुआ वो बाबू? भूख सबको लग रही है, सारे छोटे बच्चों को भूख लग रही है, और हमारे बिलिंग कर रहे हैं मिस्टर ट्रैवल। चलो भाई डी मार्ट से जो है बढ़िया से घर का सामान हमने ले लिया, और अभी हम लोग जा रहे हैं, भूख लग रही है बहुत तेज, कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। तो भाई डी मार्ट के से जाने के बाद हम लोग आ गए थे मैकडी में, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने जो है वो हल्का फुल्का जो है खा लिया है, ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि तो एकांश के जो है वो गुब्बारे आ चुके हैं हैप्पी बर्थडे वाले, इसी के लिए रो रहा था थोड़ी देर पहले, तो अभी गुब्बारे आ गए हैं बढ़िया, और एकांश ने पॉटी भी कर दी है, पॉटी कर दी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं राजनगर एक्सटेंशन की तरफ, हम जा रहे हैं निखिल भाई के यहाँ पे। निखिल भाई को अपने पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा, और रिसेंटली जो है निखिल भाई के घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, तो भाई के घर पहुँच के मैं आपको उस खुशखबरी के बारे में बताऊंगा, और भाई से भी बात करेंगे
कि उनको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है। थार ले ली है, चलते हैं। खुशखबरी ये है कि भाई ने थार ले ली है, वो भी तीन तीन थार। तीन थार ले ली एक साथ भाई। चलो भाई, निखिल भाई के यहाँ गौर कास्केट में पहुंच चुके हैं अभी हम लोग, और नीचे बेसमेंट में पार्किंग में। भाई मेरी ना जीन्स फट चुकी है। अब सोचो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। ये तो हंस रहे हैं। कैसे फट गई है? पता नहीं यार, चल रहा था, मुझे लगा कि ये बीच बीच में ऐसे कि वो फुवारा सा बन रहा है ऐसे करके। और ये कब से फट रही होगी? नहीं नहीं नहीं, इस टाइम नहीं फटी। पूरे टाइम मैं घूम रहा था उधर उधर। नहीं, डी मार्ट में नहीं थी ये, मुझे लगा बाद में जब हम मैगजी से निकले थे ना, शायद कभी कभी कुछ हुआ। ये डिस्कशन हो रहा है ये कब फटी कब नहीं फटी। उसको बोल दो कि शॉट दे देना, तो जाते हैं भाई। और ये भी नहीं पता कि कितने लोग हंसे होंगे रास्ते में। सही बात है कि फटी नहीं, कब फटी किसी ने नहीं देखा। नहीं नहीं, पता नहीं कहाँ फटी। मुझे पता है वहाँ नहीं फटी है, क्योंकि मैं साथ साथ ही चल रहा सही। निखिल भाई, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने ये बताया कि एक खुशखबरी है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया क्या खुशखबरी है। तो जैसे छोटा सा बच्चा, अभी आप एक साल का बच्चा आप लेके खुश हो रहे हो, अब आपके पास अपना छोटा सा बच्चा हो गया है। और यहाँ पे आंटी जी भी है, बहुत बहुत बधाइयाँ, जो कि दादी बन चुकी हैं। आई थिंक फैमिली में पहला बच्चा है ना, कैसा लग रहा आपको? बढ़िया लग रहा है। आप बताओ सर जी, आपको कैसा लग रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, कांच को तो संभाल लिया आपने। उठना पड़ रहा है। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो, और दादी जी को भी बहुत बहुत मुबारक हो। भाई ये है वो बेबी बॉय, अभी फेस रिवील नहीं कर पा रहे हम लोग, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको दिखाऊंगा। और इसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ देखो, ये वाले कर रहे हो सबको। मिस प्रियंका ने भी ज्वाइन कर लिया है, कैसा लग रहा है घर में बेबी आया है? क्या बने हो आप? क्या बने? वो बन गए हो? क्या बात है, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू। चलिए, ये भी सो गया है एकांश। इसकी एंट्री हो रही है, देखो। तो चलिए जी, वापस घर के लिए निकल चुके हैं हम लोग, और इस व्लॉग को जो है आज यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर पहली बार इस व्लॉग में आए हो तो। और निखिल भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ, बेबी बॉय हुआ है, और उनकी फैमिली में भी पहला बेबी आया है जैसे हमारी फैमिली में आया था। तो हम समझ सकते हैं उनकी फीलिंग, और एक्साइटमेंट भी समझ सकते हैं कि नए नए बेबी में क्या क्या एक्साइटमेंट रहती है। तो चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम तो है ही, चलो वो तो है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी काम। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। भाई साहब, बारिश होने लगी है, बारिश भागो, बारिश होने लगी।